Zombie Apocalypse. So, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. देखिए, डेरिवेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पे. देखिए, एक्सियल पॉइंट का जनरल मतलब है, एक्सियल मतलब क्या, एक्सियल का मतलब है यहाँ पे क्या, अलोंग एक्सिस, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग. ठीक है, अब इस एक्सियल का एक और नाम होता है, इसको आप इस नाम से भी जानते हैं, दैट इज एंड ऑन एंड पोजिशन या फिर एंड टू एंड पोजिशन. इस नाम से इसको जाना जाता है, एक्सियल पॉइंट को एंड ऑन एंड या फिर एंड टू एंड पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है. तो डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से, जैसे आप जानते हैं कि माइनस क्यू और क्यू क्या होते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिसके बीच में बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, दैट इज 2 है. तो हमने एक पेयर कंसीडर कर दिया इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का, छोटी सी डिस्टेंस 2 है. अब हमें एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, तो हमने एक इसकी एक्सिस होगी ये अलोंग द एक्सिस, ये डायपोल की एक्सिस है ये वाली, तो अलोंग द एक्सिस हमने एक पॉइंट पी कंसीडर करा, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कहां से, डाइपोल के सेंटर से. ठीक है, तो जिसको मैंने कुछ यहां पे इस तरह लिखा हुआ कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रो डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू, कि हमने इलेक्ट्रो डाइपोल कंसीडर करा जिसमें चार्जेस है प्लस माइनस क्यू, और जिनके बीच में देखिए कैसे डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है वो छोटी सी, दैट इज 2 है. और हमने पी वो पॉइंट माना कहां, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल की एक्सिस के अलोंग हमने पी वो पॉइंट माना है जिस पॉइंट पे, कहां से माना, कितनी डिस्टेंस माना भाई, दो एक्स डिस्टेंस पर, कहां से माना, डाइपोल के सेंटर से, जिस पे एट विच, जिस पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ होने चाहिए यहां पे. नाउ देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है या ऑलरेडी आप जानते होंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आपको किसकी डायरेक्शन चाहिए, पहले फोर्स की, बात समझ आई, और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप कौन सा चार्ज रखते हो, टेस्ट चार्ज. ओके, तो इसको मैं इस तरीके से समराइज कर रहा हूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, एक पहले क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा. तो अब मुझे कोई डायरेक्शन निकालनी है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी है, कौन से पॉइंट पर निकालनी है, एग्जिट पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज. एंड टेस्ट चार्ज, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी, टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट, इट इज अ स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज. नाउ हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से. देखिए, ये चार्ज है माइनस क्यू और ये टेस्ट चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव, तो माइनस वाला चार्ज Q नॉट को, मतलब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को हमेशा अपनी तरफ क्या करेगा, ये माइनस इस Q नॉट को अपनी तरफ क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा. तो जब इस तरफ फोर्स लगेगा तो इसी तरफ क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इवन इस तरफ होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, मतलब इवन. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं सही से, दिस इज E1. ओके, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते ही हैं, विच इज E इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ तो E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. अच्छा, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पता है हमने, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप चार्जलेस एंड कभी भी कंसिडर नहीं करते. नाउ डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डायपोल का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हो गई ए, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई यार आपकी, ए. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहां है इसकी, टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से. नाउ देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल मतलब राइट की तरफ पुश करेगा,
तो जिस तरफ फोर्स उसी तरफ क्या लगेगी इसकी, जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ क्या लगेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 हो गई राइट की तरफ, तो E2 is equals to KQ divided by डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको चाहिए, ये x है ये a है, तो ये कितनी बची डिस्टेंस, ये बची यहां पे कितनी x माइनस a का क्या होल स्क्वायर, और ये किसकी तरफ है, दिस इज टूवर्ड्स ये राइट की तरफ है। नाउ अब आप देख रहे हो यहां पे कि सिंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे e1 एंड e2, सिंस e1 एंड e2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, की e1 और e2 जो है वो एक दूसरे की कौन सी डायरेक्शन में, भाई एक इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या जाता है, माइनस करके, और आप बड़े में से किसको माइनस करते हो, हमेशा किसको माइनस करते हो, छोटे को माइनस करते हो, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि E1 और E2 में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, क्लियर आउट हुई बात ये आपको। जरा आप देखिए, लेट सपोज, अच्छा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे, ठीक है, लेट सपोज एक x की वैल्यू हमने मान ली 100 और a मान लिया हमने 10, तो x प्लस a करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 110, और x माइनस a करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 90। अब जरा देखिए, अगर ये वैल्यू कम आ रही है, ये वाली वैल्यू x माइनस से कम आ रहा है ना, 90 आ रहा है जैसे, वो एग्जांपल है बस, ये कम आ रहा है तो ये क्या होगा ज्यादा, और अगर ये ज्यादा आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी अपने आप कम, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, x माइनस से 90 कम आ रहा है ना, तो ये अगर कम है ये कम आ रहा है तो ये क्या होगा ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये क्या होगा कम, बहुत सिंपल, सिंस इवन एंड ईटू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड, और कौन बड़ा है यहां पे, ईटू इज ग्रेटर देन एंड E2 इज ग्रेटर देन E1, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एक्सियल इज इक्वल्स टू, किसके बराबर लिखोगे आप इसको सीधा सीधा, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, कि आप E2 में से किसको माइनस कर दोगे सीधा सीधा यहाँ पे E1, और वैल्यू पुट कर देते जरा यहाँ पे, तो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके, नाउ इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज दिस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे फर्दर, व्हाट विल वी गेट, वी गेट ई एक्सिल इज इक्वल्स टू, नाउ के क्यू कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, नाउ ई एक्सेल इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां पे आप एलसीएम लेंगे, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इनका भी क्या है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो अब यहां पे आपको बस एलसीएम लेना है, तो यहां पे क्या आएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे, ठीक है, now e axial is equals to e axial is equals to k q, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो it will be x square plus a square plus 2 ax, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा इस वाले टर्म को, now देखिए x minus a का क्या है होल स्क्वायर, और माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो it will be minus x square minus a square plus 2 ax divided by x square minus a square का होल स्क्वायर, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो 2ax plus 2ax क्या बना है यहाँ पे, e axial is equals to kq, क्या बना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 4ax डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में, नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, देखिए अब इस 4ax को, इस 4ax वाली टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, kq into 2a into 2x, हमने 4ax को ब्रेक कर दिया, इसको 4ax को हमने ब्रेक कर दिया 2a और
टू एक्स में है, तो ये भी फोर ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना अब जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसा कि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ चुके हैं q इंटू टू ए, ये वाली टर्म्स q इंटू टू ए, q इंटू टू ए क्या होता है हमेशा p, तो यहां पे क्या बनेगा ये 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये कैसे बना कि भाई p किसके बराबर होता है q इंटू टू ए के बराबर होता है हमेशा। अब देयर इज दिस थिंग, अब चलो यहां पे देखिएगा इसको एक और इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए देयर इज दिस थिंग, हम ये देखिए ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि जो ये ए स्क्वायर है, या चलिए इसको मैं वैसे बताऊं, ये जो 2a है ये कैसी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस है, तो a कैसी डिस्टेंस होगी और छोटी होगी, ठीक है ये पता है ना, जैसे लाइक 2a जो है वो कैसी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, तो a जो होगी वो तो और छोटी हो जाएगी क्योंकि उसका हाफ कर रहे हो, तो ए स्क्वायर को कैसा हो गया वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल ऐसे मान लो 2a की वैल्यू है यहाँ पे 4 के बराबर, तो a की या 2a की वैल्यू मान लो 2 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब या चलिए इसको 2 मान, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, दैट इज इट विल बी 0.5, तो 0.5 अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25। कहने का मतलब ये है, मेरा बस कहने का मतलब इतना है कि जब 2a बहुत छोटी डिस्टेंस है तो a तो और छोटी हो गई तो a स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, बिल्कुल इसीलिए अब हम यहां पे देखेंगे कि सिंस अब हम यहां पे क्या देखेंगे कि भाई a स्क्वायर तो बहुत छोटा है, मतलब एक्चुअल में जो x है ये तो बहुत बड़ा है ना a से, भाई x तो बहुत बड़ा होगा a से क्योंकि 2a ही तो छोटे डिस्टेंस है, तो सिंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो आप किसको नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्टिंग a स्क्वायर, बिल्कुल वैसे देखिए नॉर्मली मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेट सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास, उसमें से मैं किसी को 2 रुपए 3 रुपए दे देता हूँ तो मेरे ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। सेम वही बात है कि अगर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक बहुत छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हो तो बहुत बड़ी वाली क्वांटिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस करो या ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फर्क पड़ता है। और ये हम ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 11th क्लास में एरर्स वाले टॉपिक पे। नाउ जब आप इसको नेगलेक्ट करोगे ए स्क्वायर को तो ये यहां पे क्या बनेगा, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kpx डिवाइडेड बाई x की पावर 4, तो x से x कटा कितना आ गया q, तो e axial is equals to क्या आया ये 2kp divided by x cube, तो this is the required expression for the electric field। direction की बात कर लेते हैं electric field की, क्योंकि direction होगी उसी तरफ जिस तरफ बड़ी quantity, पता है ना resultant किस तरफ बसता है, जिस तरफ बड़ी होगी, तो e axial जो होगी आपकी वो कहाँ होगी, इस तरफ, this is e axial। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता ही है, डायपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टू कहां होता है पॉजिटिव, दैट इज इस तरह। अब हम अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इन वेक्टर फॉर्म अगर हमें इस वाली एक्सप्रेशन को कौन सी फॉर्म में लिखना है अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो इसमें दो क्वांटिटीज वेक्टर है, पहली वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे कौन सी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी आपकी कौन सी है यहाँ पे, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कौन सा, डाइपोल वेव। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सेप और ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये दोनों किस डायरेक्शन में लग रही है यहाँ पे, डायरेक्टिंग अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1, दैट इज प्लस 1, तो बस वेक्टर फॉर्म में यहां पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन वेक्टर फॉर्म के बाद यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, देयरफॉर e axial इज इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पे एक्चुअली हमने मल्टीप्लाई करी किससे, मल्टीप्लाई करी है 1 से, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इससे पहले चलिए एक लाइन और लिख लेता हूं, एज
एक्सियल एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना होगा उनके बीच? जीरो डिग्री, इसीलिए आपकी वेक्टर फॉर्म ये है यहां पर। ओके, सो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट।